दरम्यान निकृष्ट दर्जाचे काम केले असल्याचा आरोप भरत गंगोत्री यांनी केलाय. शांतीनगर येथील बालधुनी नदीच्या बाजूला असलेल्या रिजन्सी प्लाझा या इमारतीच्या संरक्षक भिंतीचा काही भाग पाण्यात वाहून गेल्याने इमारतीच्या बांधकामास धोका निर्माण झालाय. गेल्या 2 दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसात रिजन्सी प्लाझा इमारतीची भिंत वाहून गेल्याने येथील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उल्हासनगर महानगरपालिकेचे गटनेते भरत गंगोत्री यांनी या निकृष्ट बांधकामावर विकासक जबाबदार असून येत्या महासभेत वाहून गेलेल्या भिंतीचा विषय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जो ये कल विषय हुआ है कि जो थोड़ी सी बारिश में पूरी रिटर्निंग वॉल धस गई है और गिर गई है नदी के अंदर, ये बहुत बड़ा हादसा है. आज कम बारिश में अगर इस तरह का हालात बनते हैं, अगर आगे चल के कभी डैम ओवरफ्लो होती है या डैम के दरवाजे खुले जाते हैं तो जो वहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट भी वहाँ से गिर सकता है. तो जो टाउन डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का, वो इतना करप्ट और भ्रष्ट है कि आज उन्होंने उधर जो भी नदी के किनारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं और उन्होंने वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है जिनकी वहाँ पे परवानगी जरूरी लगती है, आज तक उन्होंने वो परवानगी ली नहीं है. अभी उसके सामने दूसरे भी एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने भी आज तक कोई परवानगी ली नहीं है. और ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा श्रेय देता है हमारा टाउन डिपार्टमेंट और हमारे जो एक्स कमिश्नर थे जो 31 मई को रिटायर हो गए, उन्होंने भी ऐसे प्रोजेक्टों को कंप्लीशन दी हुई है. अंदर डीप में बहुत काफ़ी भ्रष्टाचार हुए था अंदर, इसकी इंक्वायरी हम खुद मैं महासभा में उठाने वाला हूँ ये विषय. और ये यूडी डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखने वाले हैं कि भाई हमारे इधर जो भी टीपी आता है उनके यहाँ से हर एक वो गलत काम करते हैं और आज पूरा ठप हुआ पड़ा हुआ है और इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहा है. तो हम ये महासभा में भी विषय उठाने वाले हैं और यूडी डिपार्टमेंट में भी उठाने वाले. तसेच पालिका अधिकाऱ्यांनी या इमारतीच्या विकास कामावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. प्रतिनिधी हरिहर लाड सह आधार न्यूज मुंबई डेस्क.